प्रशांत किशोर जो लंबे वक्त से बिहार में लगातार पैदल यात्रा निकाल रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि उनके चुनाव के वक्त में मुद्दे क्या होने चाहिए, उन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कल यानी कि 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी का गठन किया। उनको उम्मीद थी कि इस पार्टी के गठन में कम से कम 20-30 हज़ार लोगों की भीड़ तो जुटेगी, लेकिन ये फ्लॉप साबित हुआ और मुश्किल से 2-3 हज़ार लोग ही जन स्वराज पार्टी के स्थापना दिवस पर आ पाए। और पहला स्थापना दिवस था ये, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। एक बात तो साफ है कि 2025 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से बीजेपी का गठबंधन और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का गठबंधन के खिलाफ ही होने जा रहा है। आपस में ये दोनों ही बिग प्लेयर्स रहेंगे, बाकी किसी भी तीसरी पार्टी की कम से कम 2025 के विधानसभा चुनाव में तो कोई जगह नहीं नज़र आ रही बिहार की राजनीति में। हालांकि प्रशांत किशोर की कोशिश ये ज़रूर होगी कि वो अपनी जगह बनाए, बिहार में लोगों तक पहुँचे। वो गरीबों के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं और वो गरीबों से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात वो जानते हैं। अगर वो गरीबों के मुद्दे उठाने में कामयाब हुए और वो मुद्दे लोगों तक पहुँच गए, लोगों को उनकी बातें समझ में आ गई, तो उनको पार्टी को कामयाबी ज़रूर मिलेगी बिहार में, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबों की आबादी है और लोगों के इस बात का एहसास है अब कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ापन है बाकी राज्यों के मुकाबले। और यही कारण है कि लोग उनकी पार्टी को मौका दे भी सकते हैं, लेकिन अगर आज के हालात देखें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में तो इसकी उम्मीद कम ही नज़र आती है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।